आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? यह हुई थी हेस्टिंग्स। किसके काल में हुई थी? हेस्टिंग्स के काल में। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है कॉर्नवालिस को। किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट है, टेनसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822 में। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1822 में। नेक्स्ट है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? यह हुआ था 1824 में। कब हुआ था? 1824 में। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिक्स। दोस्तों, आपको इतिहास अधिक बोरिंग विषय लगता है लेकिन आपको देखना ज़रूरी है। इसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जो सभी एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे, जैसे स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो, सभी में जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास सिलेबस में है वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? 1835 में की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। कब लगाया गया था बालिका हत्या पर प्रतिबंध? 1830 के अंदर। नेक्स्ट है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉप। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों में से उपज का 50% वसूला जाता था? कौन सी कर व्यवस्था थी उसके द्वारा किसानों से उनकी जो कमाई होती थी उसका 1/2 आधा हिस्सा वसूला जाता था? रेतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था थी? यह रेतवाड़ी व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? जो नरबली प्रथा थी उसका अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह किया था दादाभाई नौरोजी। किसके द्वारा किया गया था? दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारत में टेलीग्राम लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह कलकत्ता से आगरा के मध्य शुरू की गई थी और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। कहाँ से कहाँ की गई थी? कलकत्ता व आगरा के मध्य और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? यह स्थापित हुई थी मुंबई में। कहाँ पर स्थापित थी? मुंबई में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और उसका फ़ायदा आप सबसे पहले उठा सके। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। कब हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लॉर्क ने। और भारतीय रेलवे की प्रथम लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लॉर्क ने। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के मध्य। ये 34 या 35 किलोमीटर लगभग इतनी दूरी थी इसकी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को। जो भारत में भू राजस्व प्रणाली थी उसका अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? जमींदार को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है,
किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था, लॉर्ड कर्नवालिस, किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट है, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, यह कब लागू की गई थी, 1820 में। इसमें क्या होता था, किसानों को अपनी उपज का 1/2 हिस्सा यानी 50% भाग कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई, यह की गई थी 1822 में, कब की गई थी, 1822 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, बिहार, कौन सा क्षेत्र था, बिहार अफीम। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन यानी उनका विनाश का क्या कारण था, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, यानी जो माल ले जाया जाता था उस पर जो जहाज कर लगाए जाते थे वो ज़्यादा कर लगाए दिए जाते थे। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, जो नील कृष्णों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, नील दर्पण एक पुस्तक का नाम है, वह नील कृष्णों की दुर्दशा के बारे में विचार करती है यानी उसके बारे में जानकारी देती है, उसके लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र, कौन थे, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कौवा बागान कहाँ लगाए गए, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कौवा बागान कहाँ लगाए गए, ये लगाए गए थे वायनाडा जनपद में, कहाँ पे लगाए गए थे, वायनाडा जनपद में। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, जो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, यह हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट है, सर टॉम्स मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, जो सर टॉम्स मुनरो है वह किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, रेतवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना हुआ, यानी जो स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था, यह 89% तय हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाली सीमित देयता का प्रबंध प्रथम बैंक कौन सा था, अवध कॉमर्शियल बैंक, कौन सा था, अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, यह किया गया था मद्रास प्रेसिडेंटी व मुंबई प्रेसिडेंसी में, कहाँ कहाँ पे लागू किया गया था, मद्रास प्रेसिडेंटी व मुंबई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ, जो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पे वो कब शुरू हुआ था, यह हुआ था 1913 में, कब शुरू हुआ था, 1913 में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।